सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन मोटो वन पावर और पोको एफ वन के बीच। पोको एफ वन में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 845 और 6GB का रैम, जहां मोटो वन पावर में हमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 636 के साथ 4GB का रैम। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस और एट द एंड देखेंगे रैम मैनेजमेंट। सो पहले हम दोनों ही फोन की अबाउट सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं एंड्रॉइड वर्जन। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि हमें कुछ दिन पहले मोटो वन पावर में मिला था एंड्रॉइड पाई का अपडेट, और बस कल ही हमें मिला है पोको एफ वन में एंड्रॉइड पी का अपडेट। और जैसे आप देख सकते हैं दोनों ही फोन में चल रहा है एंड्रॉइड 9 पाई। तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे फोन्स की बूटिंग टेस्ट से और चले जाते हैं दोनों की रिस्टार्ट स्क्रीन पे और लेके आते हैं हमारा स्टॉप वॉच। दोनों फोन में एकदम सेम टाइम पे रिस्टार्ट पे टैप करेंगे, तो स्टॉप वॉच को यहाँ से चला लेते हैं और दोनों में रिस्टार्ट पे टैप करते हैं इन 3 2 1 गो। ओके, दोनों ही फोन रिस्टार्ट हो रहा है और क्लॉक पे जब 5 सेकंड का टाइम हुआ था तब हमने रिस्टार्ट पे टैप किया है। तो नाउ देखते हैं कि कौन सा फोन पहले बूट होता है। और तो पोको पहले बूट हो गया 27-5 मतलब 22 सेकंड्स में, और मोटो में बूटिंग अभी भी चल रहा है। तो यार फाइनली मोटो भी बूट हो गया 45-5 मतलब 40 सेकंड्स में। तो यह स्टॉपवॉच को साइड में रखेंगे और जैसे आप देख सकते हैं दूसरे स्पीड टेस्ट की तरह आज भी हमारे पास है कुछ डेली यूजिंग और सोशल ऐप्स जैसे फोन कैमरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल मैप्स, एडोबी प्रीमियर क्लिप, जिसमें हम दोनों फोन की जीपीयू रेंडरिंग स्पीड चेक करेंगे, शॉपिंग ऐप्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट, एक लाइटवेट गेम, दो हेवी गेम्स और क्लॉक ऐप, जिसमें हम पूरे टेस्ट के टाइम स्टॉपवॉच को चला के रखेंगे दोनों ही फोन में। टेस्ट शुरू करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, दोनों में ही लोकेशन या फिर GPS ऑन है और दोनों फोन की बैकग्राउंड मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है। और तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे क्लॉक ऐप में जाके और दोनों में ही स्टॉपवॉच को चला लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं फोन ऐप पे, और फोन ऐप थोड़ा पहले लोड हुआ पोको में। नेक्स्ट है कैमरा, और कैमरा ऐप को ओपन करने में सेम टाइम लिया दोनों फोन ने। चलते ट्विटर पे, और ट्विटर भी पहले लोड हो गया पोको में। सो नाउ चलते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम ओपन हुआ सेम टाइम पे, पर इंस्टा फीड्स 1 सेकंड पहले लोड हुआ पोको में, पर एकदम नेगलिजिबल डिफरेंस है जो कभी कभी नेटवर्क की वजह से होता है। चले जाते हैं फेसबुक में, और फेसबुक अगेन सेम टाइम पे ओपन हो गया। ओके, तो चलते हैं मैप्स पे, और जैसे आपने देखा गूगल मैप्स 1 सेकंड पहले लोड हो गया पोको में, पर दोनों फोन में मैप चलाने के तुरंत बाद आ गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। एनीवेज नाउ चले जाते हैं एडोबी प्रीमियर क्लिप में, और प्रीमियर क्लिप में हम सेम 1 मिनट की क्लिप को दोनों ही फोन में इंपोर्ट कर लेंगे और क्लिप सेटिंग्स में जाके 50% स्लोअर करके या से बैक करके शेयर पे टैप करके सिलेक्ट कर लेते हैं सेव टू गैलरी, और 1080p को सिलेक्ट करके लेके आते हैं हमारा स्टॉप वॉच और यहाँ से स्टॉप वॉच को भी चला लेते हैं। नाउ दोनों फोन की जीपीयू रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू टैप करके इन 3 2 1 गो। ओके, तो रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है और ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, बट आप देख पाएंगे दोनों फोन की रेंडरिंग स्पीड। दोस्तों जैसे आपने ऑलरेडी गेस किया होगा, पोको एफ वन की स्नैपड्रैगन 845 जीपीयू रेंडरिंग में काफी फास्ट है फ्रॉम स्नैपड्रैगन 636, पर मोटो वन पावर में एंड्रॉइड पी अपडेट में मुझे लग रहा है कि बराबर ना होने के बाद भी काफी फास्ट रेंडरिंग हो रहा है। पोको ने टेस्ट को खत्म कर लिया है 3 मिनट 48 सेकंड्स में, और अभी देखते हैं कि मोटो को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है रेंडरिंग टेस्ट को कम्प्लीट करने में। फाइनली मोटो ने टेस्ट को खत्म किया है 5 मिनट 25 सेकंड्स में। और राइट नाउ हम यहाँ से स्टॉप वॉच को हटा देंगे और दोनों ही फोन में इसी सेम स्क्रीन पे रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे होम स्क्रीन पे और कंटिन्यू करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट सबवे सर्फर्स को चला के। तो यह सबवे सर्फर्स की मेन मेन्यू अगेन पहले लोड हो गया पोको में, और मोर देन 5 सेकंड के बाद लोड हुआ मोटो वन पावर में। एनीवेज नाउ यहाँ से एक मैच चला के डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे गेम को बैकग्राउंड में पॉज रख के, और नाउ हम चले जाएंगे पबजी में और पबजी को चला लेते हैं इन 3 2 1। और तो नाउ देखते हैं कि कौन से फोन में पहले आता है पबजी का मेन मेन्यू। तो
पोको में पहले आ गया पबजी का मेन मेन्यू और मोटो में अभी भी लोडिंग चल रहा है। फाइनली मोर देन 20 सेकेंड्स के बाद मोटो ने भी लोड कर लिया पबजी। एनीवेज तो अगेन यहाँ से हम पबजी को बैकग्राउंड में रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे हमारे शॉपिंग ऐप्स में और अमेजन को दोनों ही फोन में चला लेते हैं। Amazon ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फोन में, पर मुझे लगा एक सेकंड पहले लोड हुआ पोको में, पर एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो नाउ चले जाते हैं फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट पहले लोड हो गया पोको में, जहां एक सेकंड के बाद आया मोटो में। तो फाइनली चला लेते हैं एसफेल 9 और इसे चला के देखते हैं कि किस में पहले लोड होता है एसफेल की मेन मेन्यू। दोस्तों एसफेल की मेन मेन्यू पहले लोड हो गया पोको में। दोनों ही फोन में हर एक एप्लीकेशन अपडेटेड है, फिर भी मोटो ने एसफेल को चलाने के बाद अपडेट चेक किया और इसीलिए मोटो को एक मिनट एक्स्ट्रा लगा मेन मेन्यू को लोड करने में। एनीवेज तो यहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं होम स्क्रीन पे और यहाँ पे मल्टीटास्किंग विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टेस्ट के टाइम सारे एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रखे थे ताकि अभी जाके देख पाए दोनों फोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है बेटर। तो रैम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं क्लॉक ऐप से और स्टॉपवॉच अभी भी दोनों में चल रहा है। नेक्स्ट है फोन ऐप और फोन ऐप रनिंग है सिर्फ पोको में। चले जाते हैं कैमरा पे, कैमरा ऐप भी अगेन रनिंग है सिर्फ पोको की मेमोरी में। तो नेक्स्ट चला लेते हैं ट्विटर और ट्विटर को दोनों ने ही रिस्टार्ट किया है। चलते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम अगेन दोनों ही फोन में रिस्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं फेसबुक में और फेसबुक को यहाँ से चला लेते हैं। फेसबुक रनिंग है सिर्फ मोटो में, जहाँ पोको ने इसे रिस्टार्ट किया है। तो यहाँ से वापस जाके चला लेते हैं गूगल मैप्स। मैप्स को सिर्फ मोटो ने रखा है अपने बैकग्राउंड मेमोरी में, जहाँ पोको में गूगल मैप्स रिस्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट चले जाते हैं प्रीमियर क्लिप में। प्रीमियर क्लिप को चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रीमियर क्लिप सिर्फ मोटो की बैकग्राउंड मेमोरी में रनिंग है, जहाँ पोको ने इसे रिस्टार्ट किया है। नेक्स्ट चले जाते हैं सबवे सर्फर्स में और सबवे सर्फर्स की रिज्यूम ऑप्शन हमें किसी भी फोन में नहीं मिला है और दोनों ने ही सबवे सर्फर्स को अपने बैकग्राउंड मेमोरी से हटा दिया है। और नाउ यहाँ से होम स्क्रीन में वापस जाके चला लेते हैं पबजी और पबजी को चलाने के बाद भी हमें मिल गया पबजी का मेन मेन्यू सिर्फ मोटो में, जहाँ पोको ने अगेन इसे अपने मेमोरी से हटा दिया है। तो नेक्स्ट है शॉपिंग एप्स, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट को यहाँ से चला लेते हैं। अमेजन को सिर्फ पोको ने अपने बैकग्राउंड मेमोरी में रखा है, जहाँ फ्लिपकार्ट सिर्फ मोटो के बैकग्राउंड मेमोरी में रनिंग है। और फाइनली चला लेते हैं एसफेल 9 और एसफेल की मेन मेन्यू आ गया सिर्फ मोटो में, जहाँ पोको ने एसफेल को भी अपने मेमोरी से हटा दिया है। तो यार ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस की, दिन दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, पर ऐप ओपनिंग पोको में थोड़ा फास्ट है और जैसे मैंने पिछले स्पीड टेस्ट में भी कहा है, मोटो की एंड्रॉइड पी अपडेट में मैंने देखा है कि किसी भी ऐप को चलाने के एक सेकेंड बाद वो लॉन्च होता है और इसलिए कोई भी ऐप ओपनिंग थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू द अदर फोन। नाउ अगर बात करें जीपीयू रेंडरिंग की, तो पोको की स्नैपड्रैगन 845 जैसे आपने ऑलरेडी देखा रेंडरिंग स्पीड में काफी फास्ट है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 636 जो हमें मिलता है मोटो 1 पावर में। पर एंड्रॉइड पी अपडेट के बाद GPU रेंडरिंग मोटो में भी काफी फास्ट हो गया है, जिसका मतलब है कि मोटो की एंड्रॉइड पी अपडेट में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर मिलेगा। नाउ मल्टीटास्किंग या फिर रैम मैनेजमेंट दोनों फोन की बढ़िया है, पर मेरे हिसाब से मोटो में रैम मैनेजमेंट थोड़ा बेटर है, पर इट्स अप टू यू बी द जज। और हमें बताएं कि आपको पोको F1 और मोटो 1 पावर की एंड्रॉइड पी अपडेट के बाद स्पीड टेस्ट के हिसाब से कौन सा बेटर लगा है। और यार यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।